अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं सैफ विलेज फूड। और आज हम बनाने जा रहे हैं मटन टिक्का पिज़्ज़ा, और वो भी विदाउट ओवन गांव में जाके। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जरूर बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं मटन टिक्का पिज़्ज़ा। पहले हम पिज़्ज़े के लिए उसकी डो बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया मैदा, ऑयल, यीस्ट, नमक और दूध। आप दूध के लिए पानी भी ले सकते हैं। मैदा डालेंगे, नमक डाल देंगे, यीस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऑयल डाल देंगे, हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे, अब इसको कपड़े से कवर करके रखते हैं। हम 1 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन इसमें 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। Thank you.
स्टॉक का। हमारी डो तैयार हो गई है, इसको हमने फैला लिए, अब हम इसको बेक कर लेंगे। हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, मटन टिक्का। मटन टिक्का की रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पे शेयर कर दी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। प्याज, टमाटर, हरी जैतून और चीज़। सबसे पहले आप पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मटन टिक्का बनाएंगे, मटन प्याज। डालेंगे जैतून कर देंगे, हम इसके ऊपर जैसे चीज डाल देंगे। हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा बेक करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, कटिंग कर लेंगे।
बहुत ईजी रेसिपी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर में ओवन के बगैर भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।